हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो पूरी तरह से एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट और सर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं छोटे से रिएक्शन के माध्यम से आखिर फिल्म को किस लेवल तक बनाया गया है। हालांकि ट्रेलर के अंदर उतना ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है जिससे कि फिल्म की सारी कहानी को समझा जा सके, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात भी है। बहुत सारा मसाला बचा के रखा गया है फिल्म के अंदर दिखाने के लिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे ट्रेलर देखे होंगे जिनमें से कई ट्रेलर तो ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी फिल्म की सारी कहानी को बताकर फिल्म के सस्पेंस लेवल को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जो कहीं ना कहीं वाकई इस फिल्म के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ये फिल्म वाकई एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है जिसको प्रोड्यूस किया है जयंती लाल घाड़ा के साथ मिलकर खुद संजय जी ने। और हम सभी को पता है कि बॉलीवुड में कुछ ही डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी ओरिजिनल फिल्मों के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक है संजय लीला भंसाली, जिनकी ज़्यादातर फिल्में हिट रही है। तो दोस्तों, अगर आपने भी ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो एक नाम ज़रूर सुना होगा, कमाठीपुरा और गंगूबाई। दरअसल दोस्तों, ये मुंबई की एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर एक तरह से इल्लीगल धंधे चलाए जाते हैं जिसके बारे में पुलिस और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से वाकिफ थे, और इसी वजह से इल्लीगल को भी लीगल बनाकर बड़ी ही आसानी से चलाया जाता था। और इसी जगह पर किसी ज़माने में गंगूबाई को जबरन धकेल दिया गया था, और बाद में एक दौर ऐसा आया जब वही गंगूबाई पूरे कमाठीपुरा की बॉस बन गई थी और पूरे कमाठीपुरा में गंगूबाई की ही हुकूमत छा गई थी। वहाँ वही होता था जो गंगूबाई चाहती थी, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी उसकी बातों को टाल नहीं सकता था। और ये सब मुमकिन हो पाया था गंगूबाई के भाई करीम लाला की वजह से, क्योंकि उस समय पूरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड का डॉन हुआ करता था करीम लाला। उसकी वही धाक हुआ करती थी जैसे जंगल में एक शेर की होती है। उसकी बात को टालने का सीधा मतलब था मौत को गले लगाना। उस टाइम के नेता और प्रशासन करीम लाला को सलाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो इन सब से हम ये भली भांति समझ सकते हैं कि करीम लाला कौन सी ब्रांड का नाम हुआ करता था। और क्योंकि गंगूबाई ने करीम लाला को अपना भाई बना लिया था, तो जाहिर सी बात है कि गंगूबाई का भी वही खौफ हो गया था जो कि उसके भाई करीम लाला का था। और करीम लाला ठहरे भाई पैसे से एक पठान, जिसको एक बार जबान दे दी तो मुकरते नहीं थे, और यही जुबान देकर करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद बड़े से बड़े माफिया की मजाल की गंगूबाई की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक साधारण सी लड़की के जीवन स्ट्रगल को दिखाया गया है, साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत को बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा। दोस्तों, गंगूबाई की इस सच्ची घटना पर एक राइटर ने बाद में पूरी एक बुक लिखी जिसको पढ़कर इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों, ऑल ओवर फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार है और एक्टर्स ने भी इसे बखूबी निभाया है। हाँ, कहीं ना कहीं फिल्म के डायलॉग्स को देखकर ऐसा लगता है कि आलिया की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद गंगूबाई के किरदार को और अच्छे से मेंटेन कर सकती थी। वैसे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाया है, तो वो किसी भी एक्टर से अच्छी एक्टिंग तो करवा ही लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक और डाउट है कि भाई करीम लाला ने अपने जीवन में एक पठानी सूट पहना था, तो फिल्म के अंदर अजय देवगन को वो सब क्यों नहीं पहनाया गया। तो दोस्तों, संजय की सभी फिल्मों की तरह इसे भी एक बहुत बड़े सेट पर बनाया गया है जिसमें ओरिजिनल लोकेशन नहीं बल्कि बनाई हुई लोकेशन मिलेगी। और ये फिल्म भी उनके एक काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट में से एक है जिसपे उन्होंने काफ़ी पहले इस प्रोजेक्ट पर फिल्म बनाने की सोच ली थी, लेकिन अब जाकर पूरी फिल्म बनी है। तो कहानी तो वेरी इंटरेस्टिंग है, और ऊपर से संजय का कमाल फिल्म को जरूर सुपरहिट बनाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपने विचार शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ में।